वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सब्जियों की रेसिपीज जो आप ऑफिस में, स्कूल में, लंच बॉक्स में, टिफिन में आप बहुत इजीली आप इनको कैरी कर सकते हैं। इन सब्जियों की, इन रेसिपीज की सबसे खास बात यह है कि श्रावण का महीना आने वाला है तो ये नो अनियन नो गार्लिक सब्जियां हैं और इनका मैक्सिमम जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो 10 मिनट है। कुछ सब्जियां 10 मिनट के पहले बन जाएंगी और कुछ सब्जियां 10 मिनट के अंदर ही बन जाएगी, तो मैक्सिमम टाइम इनका 10 मिनट है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की अपनी सब्जियों की रेसिपी शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली रेसिपी है कैप्सिकम की। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टीस्पून तेल ऐड किया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो आपको इसमें डालना है 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून आपको इसमें सरसों डालना है और इसमें 2 टीस्पून आपको डालना है बेसन और आपको इसको अब करना है अच्छे से मिक्स, यानी एक तरीके से आपको बेसन को जो है तेल में सेकना है। लगभग 40 सेकेंड सेकने के बाद आप इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च कटी हुई और लंबी कटी हुई हरी मिर्च अगर आप खाते हैं तो। बस बेसन के साथ आपको शिमला मिर्ची को बहुत अच्छे से सेकना है लगभग 1 मिनट तक, ताकि जो बेसन का फ्लेवर है वो शिमला मिर्ची के साथ अच्छे से रच बस जाए। देखिए उसके बाद आप 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च स्वाद के हिसाब से और नमक स्वाद के हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। मसालों को हम अच्छे से कर लेंगे अब मिक्स, क्योंकि शिमला मिर्च, बेसन और मसाले साथ में आपस में बहुत अच्छे से लिपटे हुए होने चाहिए। देखिए इसमें 1 टीस्पून मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि बेसन जो है वो थोड़ा सा और भी सब्जी के साथ अच्छे से चिपक जाए। ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है, नहीं तो सब्जी जो है वो आपकी लुगदी जैसी बन जाएगी। बस इसमें मैंने 1/4 टीस्पून चीनी ऐड की है ताकि ढकने पे जो हरी सब्जी है वो अपना कलर बनाए रखे। इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 मिनट में सब्जी हो जाती है। इसने ऑयल जो है वो रिलीज कर दिया है, हमने कम ही ऑयल डाला था इसीलिए सिर्फ ऑयल हमें बहुत थोड़ा सा दिखेगा। 1/4 टीस्पून हमने इसमें अमचूर पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से एक मिक्स देना है और आपकी जो शिमला मिर्ची और बेसन की सब्जी है वो बनके हो गई है रेडी। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी सब्जी की तरफ। तो हम दूसरी सब्जी बना रहे हैं काबुली चने की। तो चने मैंने एक दिन पहले ही रात में बॉईल करके रख दिए थे क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है। एक छोटा पैन लिया है, उसमें मैं लगभग 1/4 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। तेल को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी अपने पैन में और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो काबुली चने हमने नमक डाल के पहले से बॉईल करके रखे हैं, उसको पैन में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तेल के साथ हम उसको अच्छे से लगभग 30 सेकेंड सेक लेंगे ताकि जो चने हैं ठंडे थे वो गरम हो जाए। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ये ग्रेवी ऐड की है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। बस ग्रेवी के साथ अब आपको चने को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ग्रेवी भी है जो ये नो अनियन नो गार्लिक की ग्रेवी है और इसको आप 7 से 10 दिन तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पानी डाला है क्योंकि ग्रेवी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी। और बस ग्रेवी के साथ हम चनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम डालेंगे एक मेन इंग्रेडिएंट छोले मसाला, तो ये जो है सब्जी का पूरा की पूरा टेस्ट बदल देगा। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 टीस्पून छोले मसाला ऐड किया है। इसको आपको अब अच्छे से करना है मिक्स ताकि ये जो छोले मसाला है वो आपकी पूरी सब्जी में अच्छे से फैल जाए। और हम इसको कुक करके 5 मिनट पका लेंगे और देखिए 5 मिनट के बाद पूरा तेल जो है उसने सब्जी ने रिलीज कर दिया है। अब आप इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, उसके बाद गार्निश हम करेंगे इसे लंबी कटी हुई हरी मिर्च से। मैं यहाँ पर जो मिर्च यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है और मैंने सिर्फ यहाँ पर गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ किया है। तो हमारी दूसरी भी बहुत डिलीशियस सी, बहुत टेस्टी सी सब्जी बन के हो गई है तैयार। तीसरी सब्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी सब्जी मैं बना रही हूँ कैबेज और पोटैटो की, जिसके लिए कैबेज को मैंने रात को ही अच्छे से काट के धो के मैंने उसको अच्छे से निथार के फ्रिज में ढक्कन लगा के रख दिया था। कढ़ाई मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है, 2 टीस्पून मैंने इसमें तेल ऐड किया है। जब तेल गर्म हो गया है तो मैं अब इसमें ऐड करूँगी हमारे जो सबसे फेमस इंग्रेडिएंट है 1/4 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून मैं इसमें राई ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम मैं यहाँ पर हींग का पाउडर ऐड करूंगी। जब ये मसाले अच्छे से स्प्लटर हो जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे पहले से कटे हुए आलू। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च काटी है और मैंने करी पत्ता यहाँ पर लिया है। आप
करी पत्ता जरूर डालिएगा, ये कैबेज के टेस्ट को एकदम से एनहेंस कर देता है। तो इनको आपको लगभग 30-40 सेकंड तक भूनना है। और इसी स्टेज पे अब मैं यहाँ नमक ऐड कर रही हूँ, तो मैंने पूरी सब्जी के हिसाब से नमक अभी ही ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है, इसको मैंने अच्छे से तेल में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो पहले से काट के रखी हुई है पत्ता गोभी, जो अच्छे से जिनका पानी निथर गया है हम इसमें ऐड कर देंगे। पत्ता गोभी में अपना खुद का भी पानी होता है, तो नमक हमने डाल दिया है, नमक के कॉन्टेक्ट में आके वो अपना पानी रिलीज करेगी और उस पानी में ही सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो जाती है, हमें उसे अलग से कुक पानी डालने की जरूरत नहीं होती है। अच्छे से आपको आलू और हल्दी के साथ पत्ता गोभी को मिक्स कर देना है और आपको इसको ना ढक्कन लगा के लगभग 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2-3 मिनट में ही आलू जो होते हैं वो 85% तक कुक हो जाते हैं और जो पत्ता गोभी होती है वो भी लगभग 80% तक कुक हो जाती है, क्योंकि पत्ता गोभी अगर आपकी फ्रेश होती है तो वो और भी जल्दी कुक होती है। मेरी पत्ता गोभी उतनी ज्यादा फ्रेश नहीं थी इसलिए 80% कुक हुई है। इसके बाद मैं इसमें मसाले करूंगी, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया का पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, नमक हम पहले ही डाल चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून छोले का मसाला। तो करी पत्ता और छोले मसाले ये 2 मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपकी सब्जी के टेस्ट को एकदम ही बदल देंगे। एक बार आप ये जरूर ट्राई करके अपनी सब्जी में देखिएगा। अच्छे से आपको इसको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद सब्जी आपकी अभी तक 85-90% जो है वो डन हो जाती है। तो बस अब आपको इसको लगा देना है ढक्कन, और ढक्कन ढकने के बाद मैक्सिमम 3-5 मिनट आपको लगते हैं और ये सब्जी डन हो जाती है। देखिए ऑयल रिलीज कर दिया है, बस हरा धनिया डाल के हम इसको गार्निश कर देंगे और हमारी एक और डिलीशियस सी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बन के हो गई है रेडी। अगर ये सब्जी बच जाती तो दूसरे दिन आप इसके पराठे भी करके देख सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें अभी मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, बट भिंडी मस्टर्ड ऑयल में बहुत टेस्टी बनती है। लगभग 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। जब ये स्मोकिंग पॉइंट तक अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसमें आगे की प्रोसेस करना है। तो देखिए तेल बहुत अच्छे स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो गया है। 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है सरसों, और उसके बाद 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें हम ऐड करेंगे हींग का पाउडर। जब ये मसाले अच्छे से स्प्लैटर हो जाएंगे तो अब हम इसमें डालेंगे लंबी लंबी कटी हुई भिंडियां, और हरी मिर्च भी मैंने इसी के साथ काट ली थी। अब इनको तेल के साथ लगभग 30 सेकंड तक आपको अच्छे से मिक्स करना है। अभी हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम ये हाई फ्लेम पे कर रहे हैं, ताकि जो भिंडी है तेल और भिंडी आपस में एक दूसरे में कोट हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, भिंडी के ऊपर मैंने उसको डाला है, गैस को किया है मीडियम पे, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ ताकि बेसन की बहुत ही हल्की सी कोटिंग जो है ना वो भिंडियों के ऊपर आ जाए और भिंडियों के ऊपर एक क्रस्ट आ जाए। ढक्कन लगा के आपको 2-3 मिनट आपको इसको पकाना है, ताकि भिंडी जो है ना वो थोड़ी सी उनके जो किनारे हैं वो कुरकुरे कुरकुरे हो जाते हैं, तो सब्जी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपको तेल बहुत ज्यादा नहीं रखना है, नहीं तो कुरकुरापन इसमें नहीं आएगा। किनारे इसके कुरकुरे हो गए हैं तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसके बाद स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। हल्दी 1/4 टीस्पून ही आपको डालना है, क्योंकि भिंडी जो है वो ग्रीन ही अच्छी लगती है, हल्दी आपको ज्यादा नहीं करनी है। मसालों को आपको अच्छे से मिक्स करना है। इस स्टेज पे आपका जो गैस है ना वो सिम रहना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कोई भी पानी का छींटा नहीं मारेंगे तो भिंडी जो है मसाले जो है वो जल जाएंगे। इसलिए सिम आंच आप रखेंगे इसको, इसको आप ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे तो देखिए भिंडी जो है वो पूरी 100% आपकी कुक हो गई है, क्योंकि भिंडी को पकने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर का पाउडर, इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। आप चाहे और आप खाते हैं तो आप इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और हमारी एक डिलीशियस सी भिंडी की सब्जी बनके हो गई है रेडी। बढ़ते हैं अब अपनी आखिरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं मूंग के स्प्राउट्स की सब्जी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है कढ़ाई, उसको मैंने गर्म होने रख दिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून तेल। यहाँ पर मैं नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का ही यूज कर रही हूँ। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपको उसमें ऐड करने हैं वही आपके एज फेवरेट, यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने
जीरा ऐड किया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर राई ऐड किया है, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर हींग ऐड किया है। जब ये मसाले अच्छे से स्प्लैटर हो जाएंगे तो अब आपको इसमें ऐड करना है करी लीव्स। ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है करी लीव्स के बाद। मैंने यहाँ पर एक टमाटर यूज़ किया है और मैंने हरी मिर्चें काट के यहाँ पर यूज़ की है। अगर आप और भी जल्दी बनाना चाहते हैं तो जो ग्रेवी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है ना, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बस इनको आपको अच्छे से 30 से 40 सेकेंड सेकना है। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है, 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मिर्ची पाउडर ऐड किया है, स्वाद के हिसाब से नमक ऐड किया है। इसको टमाटर के साथ आपको अच्छे से मिक्स करना है, हमारा जो टमाटर और मसाले हैं वो जल ना जाए, इसीलिए हम इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो तुरंत ही मसाले सोख लेते हैं। और बस अब आपको इसको ढक्कन लगा के लगभग 4 से 5 मिनट पका लेना है। देखिए 4 से 5 मिनट में टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं, मसालों ने भी अपना ऑयल जो है वो रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे स्प्राउट्स। तो मैं मूंग के स्प्राउट्स यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी स्प्राउट्स है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना। ये स्प्राउट्स बॉयल नहीं है, सिर्फ स्प्राउट्स हैं, ये कच्चे ही हैं, इनको पकने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। इनको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और आपको मिक्स करने के बाद इनको ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट ही पकाना है, उतनी देर में ही ये डन हो जाएंगे। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं और ये स्प्राउट्स जो है ये अच्छे से कुक हो गए हैं। आपको इनको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ये खाने में टेस्ट नहीं देंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर। अगर आप चाहें तो आप यहाँ चाट मसाला या काला नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक सब्जी को बहुत ही प्यारा सा टेस्ट दे देता है। तो देखिए बस ऊपर से आप चाहें तो आप इसमें हरा धनिया और नींबू का हरा धनिया आप इसमें ऐड कर सकते हैं और हमारी सब्जी हो गई है रेडी। आई होप आपको ये सारी रेसिपीज पसंद आई होंगी और आप इनको एक बार ट्राई जरूर देंगे। इनमें मैंने ऐसी सब्जियां शामिल की हैं जो लगभग हर किसी को पसंद होती हैं। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फंडे।